तो हाँ जी राम राम मेरे भाइयों, कैसा हो? सभी लोग का स्वागत है आपको अपने चैनल हर्ष एस्थेटिक पे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम ट्रेन करेंगे, फिर से अपना शोल्डर का वर्कआउट लगाएंगे हम, जिसे मेरा मेन फोकस हमारे डेल्ट रहेंगे। साइड डेल्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज वो मेरी वीक मसल है। और मेरे भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो भी मेरे भाई की जो भी वीक मसल होती है, आप उस पर ज़्यादा वर्क करो। अपना पहला सेट आप उसी को लेकर चलो, पहला वर्कआउट, जिससे आप उसमें मैक्सिमम अपना एफर्ट डाल सको। ठीक है, तो हम अपना सबसे पहले हम रियर डेल्ट लेके चलेंगे, क्योंकि रियर डेल्ट भी मेरी वीक है। तो रियर डेल्ट से मैं स्टार्ट करेंगे, और आप देखना मेरे भाई कौन कौन से वर्कआउट मैं करता हूँ अपने शोल्डर के लिए। ठीक है, और जो भी मेरे भाई पहली बार इस वीडियो चैनल पे आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। जेनविन कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी मेरे को भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन में डालूँ तो अपने आप को पता चल जाए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम अपना रियर डेल्ट लगाएंगे, और रियर डेल्ट हम लगाएंगे अपना केबल पे लाइंग रियर डेल्ट। आपने बहुत सारी वीडियो तो मेरे देखा होगा, क्योंकि वो मेरे को मेरे बॉडी पे सूट करता है और बहुत ही बेस्ट रियर डेल्ट की एक्सरसाइज है। तो पहला वर्कआउट हम अपना वो लगाते हैं, फिर सेकंड आपको दिखाते हैं अपनी रियर डेल्ट की सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई पहली वर्कआउट हम लगाएंगे अपना रियर डेल्ट के लिए केबल क्रॉस अपने मशीन पे। तो आप देखना मैं कैसे करता हूँ मेरे भाई। आपको इस बार की जरूरत पड़ेगी कर्व बार की, बस आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ग्रिप करो, बस वो लीड जाना आपके, बस पूरा नीचे होल्ड। तो भाई मैं हर वर्कआउट के हम आपको दो दो सेट दिखाएंगे, बट करना अपने चार है। तो सेकंड सेट लगाते हैं एक बार हम। तो भाई सेकंड सेट हम लगाएंगे, और वेट आप देख सकते हो, अभी मैं लिफ्ट करूंगा तो आपको पूरा फुल स्टैक दिख जाएगा। तो सेकंड सेट लगाते हैं और करने चार हैं आपको, और इसके बाद हम चलेंगे अपने रियर डेल्ट की सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। चलिए लगाते हैं अपना सेकेंड सेट। जय श्री राम। तो भाई पहली वर्कआउट हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड चलते हैं हम अपना रियर डेल्ट की रियर डेल्ट फ्लाई लगाएंगे, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है। तो चलिए लगाते हैं हम अपना सेकंड वर्कआउट रियर डेल्ट फ्लाई। तो भाई हमारी जो सेकंड वर्कआउट है वो है रियर डेल्ट फ्लाई हम लगाएंगे। और भाई पहला ही वर्कआउट किया, पसीना आप देख सकते हो मेरे भाई किस मतलब कदर गर्मी हो रही है। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जल्द से जल्द मेरे भाई को जल्दी से ग्रो करो। सब्सक्राइब बटन है तोड़ दो फोड़ दो, वो सब्सक्राइब कर दो किसी भी तरीके से। तो चलिए लगाते हैं अपना हम सेकेंड वर्कआउट रियर डेल्ट फ्लाई। सेकेंड सेट लगाते हैं भाई। तो भाई सेकेंड सेट हम लगाते हैं अपना रियर डेल्ट फ्लाई का। और मेरे भाई आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको वर्कआउट कैसा लग रहा है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। बाकी लास्ट में हम एक बार अपना शोल्डर का पंप दिखाएंगे जरूर, तो आप लोग बने रहना वीडियो में। तो भाई लगाते हैं चलिए अपना सेकेंड सेट रियर डेल्ट का, और वेट हमने एक प्लेट इंक्रीज किया है। चलो okay.
तो भाई दो वर्कआउट हमें कंप्लीट हुए रियर डेड के और मोर देन इनफ है। अब हम अपनी थर्ड वर्कआउट लगाएंगे जो कि हमारी साइड लेटर लगी, ये भी मेरा वीक मसल है। तो साइड लेटर पहले हम ट्रेन करेंगे और डंबल से स्टैंडिंग साइड लेटर। चलिए भाई लगाते हैं। तो भाई हमारा तीसरा वर्कआउट है डंबल साइड लेटरल और 10 kg डंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत हैवी मैं नहीं जाऊँगा कि हमारी बॉडी भी स्विंग करे, और आपको कंटिन्यूसली टेंशन रखना पड़ेगा अपने डेल्टॉइड पे जब जाके वो ग्रो होगा। तो मेरे भाई बहुत हैवी वेट लेने से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेट मूवमेंट है। अगर हम डेल्ट की वर्कआउट कर रहे हैं साइड लेटरल से, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई कि 80% आपकी साइड डेल्ट ही सिर्फ वर्क कर रही है इस पर, तो इस पर अननेसेसरी ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वेट से करो जो आपके डेल्ट को अच्छे तरीके से फटीग कर दे। तो 10 kg से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। तो भाई एक सेट हो गया कंप्लीट और वेट हम इंक्रीज करेंगे 12.5 kg से। सेकंड सेट लगाते हैं और दो ही सेट आपको दिखाएंगे और इसके बाद हम अपने आज के फोर्थ वर्कआउट की तरफ चलते हैं। चलो भाई सेकंड सेट लगा के दिखाते हैं आपको। तो भाई हमारी ऐसे वो हमने तीन वर्कआउट हमारी कंप्लीट होती है। हाँ तीन वर्कआउट हमारी कंप्लीट होती है मेरे भाई। अब हम अपनी फोर्थ वर्कआउट लगाते हैं जो कि हमारी रहेगी स्मिथ मशीन पे फ्रंट मिलिट्री प्रेसेस, अपने अपर शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो भाई इसी सीक्वेंस में वर्कआउट आप फॉलो करना अगर आपकी रियर डेल्ट वीक है, और साइड डेल्ट तो 75% स्टूडेंट्स की वीक रहती है, तो आप ये शेड्यूल बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो चलिए थर्ड हम लगाते हैं अपना स्मिथ मशीन पे मिलिट्री प्रेसेस। ठीक है चलो। तो भाई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है स्मिथ मशीन पे मिलिट्री प्रेसेस। और बहुत से मेरे भाइयों को ग्रिप की इशू आती है। मैं बता दूं कि हर रॉड में, ओलंपिक रॉड में एक ये पैटर्न बना होता है, तो इससे आप थंब का अपना विड्थ ले करके ग्रिप कर सकते हो। अगर आप फ्रंट लगा रहे हो तो वाई पीछे लगाओगे आप बिहाइंड द नेक, तो आपको वाइड ग्रिप लेनी है। ठीक है तो हम यहाँ पे ग्रिप लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि हमने कितना कम वर्कआउट लगाया,
मेरे ख्याल से 4 तक वर्कआउट होगी हमारी शोल्डर की, तो भाई मोर देन इनफ है। आप हमने तो 4 4 सेट लगाए, तो वीडियो थोड़ी बड़ी होना चाहिए, इस वजह से हमने 2 सेट आपको दिखाए हैं। बाकी 4 सेट मेरे भाई, 4 वर्कआउट की मोर देन इनफ है। 2 रियर डेड, 1 साइड लेटरल और 1 हमने अपर शोल्डर की लगाई। तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वर्कआउट करना ठीक नहीं है आपके बॉडी के लिए, तो जितना जल्दी हो सके 45 to 50 मैक्सिमम 1 आवर के अंदर अपना वर्कआउट फिनिश करो मेरे भाई। उसके बाद अपनी न्यूट्रिशन लो, वो जाके आपके मसल टिश्यू जो आपने ब्रेक किया उसे रिपेयर करेगी और मसल ग्रोथ करेगा। बहुत लंबे ड्यूरेशन से वर्कआउट करना आपकी बॉडी बॉडी सॉरी कैटाबॉलिक में चली जाएगी और कोई बेनिफिट नहीं मेरे भाई। वो मसल जो आपने गेन किया वो भी लूज होती है। तो अपना एक टाइम रखो, रेस्ट बिटवीन द सेट आपको पता होना चाहिए आप जब वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो कि हमको सेट्स के बीच में कितने रेस्ट लेने हैं, जब जाके बनती है बॉडी। तो ये थी हमारी आज की शोल्डर की वर्कआउट मेरे भाई। और चलिए लास्ट में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एक बार आपको शोल्डर का पंप दिखाते हैं, तो चलिए लगाते हैं। पहले अपना हम शोल्डर का पंप दिखाते हैं आपको। चलो तो भाई टाइम है अपने शोल्डर का पंप देखने का। पंप देखते हैं कैसा हो रखा है इस पर्टिकुलर वर्कआउट से। तो चलिए देखते हैं एक बार हम। डेल्टा देख सकते हैं कैसा कौन सा होता है, फाइबर्स मैं सोच रहा हूँ कि 4 वर्कआउट लगाई, 6 4 वर्कआउट लगाई और ये कम ये कंडीशन है जिसमें बॉडी का वर्कआउट के बाद तो मैं ली हूँ कि नहीं भाई बता नहीं। तो ये थी मेरी आज की वर्कआउट और गेंस आप देख ही सकते हो भाई, डेल्टा आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की शोल्डर की वर्कआउट और ऐसी वीडियो तो आप लोग देखते रहो, प्यार देते रहो भाई। जल्द से जल्दी भाई इम्प्रूव करूँगी, बहुत सी लोगों से मिलना है मेरे भाई और जितना जल्दी वीडियो अपलोड होगी और उससे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में इनको सजेस्ट करते रहो चीज़ें किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। और बाकी अगर जो मेरे भाई को कोलैब करना हो, वर्कआउट करना हो मेरे साथ में, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो मेरे को, तो उनके साथ में वर्कआउट कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वर्कआउट, आज का शोल्डर का सेशन। तो मिलते हैं आपको।